चलिए बेटा जी, तो अब तक हम लोगों ने जो बेसिक्स है, बेसिक्स के अंदर हमने क्या देख लिया, ग्राफ देख लिया क्वाड्रेटिक का, उसके अलावा हमने इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व किया जाता है वो देख लिया है, ठीक है जी। अब उस इनइक्वालिटीज का यूज कैसे करेंगे सर, उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान दीजिए कि कैसे हम उन इनइक्वालिटीज का यूज करेंगे। मैंने कहा ध्यान से देखो, हमारे पास क्या क्वेश्चन आया, सबसे पहले तो आपको ये कुछ बेसिक बातें ध्यान रखनी होंगी। जैसे कि अगर कभी भी आपके पास अंडर रूट के अंदर कभी कोई फंक्शन आ जाए, एफ ऑफ एक्स मान लो कोई भी फंक्शन है बेटा, है ना, कोई भी किसी भी प्रकार का फंक्शन है, अभी तो हम एलजेब्रिक फंक्शन को ही देख रहे हैं, है ना, जैसे जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं अभी तो हमने उसी पे डील किया, जितने भी इनइक्वालिटी सॉल्व करी उन्हीं पे सॉल्व करी है। तो अंडर रूट के अंदर अगर कभी भी कोई भी फंक्शन आ जाए तो आपको याद रखना है कि इसमें आपको जो सोल्यूशन लगाना है वो क्या लगाना है, उसमें सोल्यूशन लगाना है कि जो एफ ऑफ एक्स आपका रहेगा, फंक्शन जो रहेगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चलना चाहिए, ठीक है जी। क्योंकि आप जानते हैं अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। अभी जो मैंने लिखा है एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसे कहा जाता है नॉन नेगेटिव, दैट इज एफ ऑफ एक्स मस्ट बी नॉन नेगेटिव, ठीक है जी, नॉन नेगेटिव। क्लियर है बात यहाँ पे, ये पहली बात जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये पहली बात है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपके पास कुछ ऐसा रिजल्ट आए कि वन अपॉन एफ ऑफ एक्स और आपको इसका डोमेन पे बात करनी हो, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि एफ ऑफ एक्स जो हो वो कभी भी क्या ना हो बेटा, जीरो ना हो। आपको ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर ये चीज़ है तो डिनोमिनेटर को कभी भी आपको जीरो नहीं करना है, डिनोमिनेटर को कभी भी जीरो नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, ये आपका सेकेंड पॉइंट था। इसी प्रकार से बेटा एक पॉइंट और है आपका, एक पॉइंट और है, अगर मैं इन दोनों केसेस को थोड़ा सा ज्वाइन करा दूँ, दोनों केसेस को थोड़ा सा ज्वाइन करा दूँ, दैट इज़ अगर कभी ऐसा आ जाए कि वन अपॉन अंडर रूट एफ एक्स आ जाए, वन अपॉन अंडर रूट एफ एक्स आ जाए, तो इसमें आप क्या क्या लगाएंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पर भी आपको क्या ध्यान देना होगा, यहाँ आपको ध्यान देना होगा इसका सोल्यूशन करते वक्त अब की बार कि जो एफ ओफ एक्स होगा वो सिर्फ ग्रेटर देन जीरो होगा। ध्यान देना यहाँ पे जब अंडर रूट था तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था, क्योंकि ऊपर एक ऊपर जीरो क्रिएट हो सकता है, लेकिन अब की बार ये डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में आप जीरो नहीं ला सकते, इसलिए नीचे अब की बार इक्वल टू का जीरो नहीं आ रहा है, नीचे इक्वल टू का निशान नहीं आ रहा है। इसे बोला जाएगा दैट एफ ऑफ एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, समझ रहे हैं, दो शब्दों में फर्क समझ रहे हैं क्या आप। ऊपर एक शब्द यूज किया है वो है नॉन नेगेटिव, ऊपर जो मैंने यूज किया उसे बोला मैंने क्या, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, और नीचे यूज किया पॉजिटिव। तो दोनों बातों में फर्क होता है बेटा, दोनों बातों में फर्क होता है। अगर आप जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तब आपका जो रिजल्ट रहेगा वो नॉन नेगेटिव कहलाएगा, और अगर आप जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, है ना, जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो आपका जो रिजल्ट कहलाएगा वो पॉजिटिव कहलाएगा। ये तीन बेसिक रूल हैं बेटा जिनको आपको दिमाग में बिठाना है, ये तीन बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपको दिमाग में बिठाना है। तीनों चीज़ों को ध्यान से देख लीजिए क्या क्या बोल रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबने बिठा भी लिया होगा अपने दिमाग में, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है तो बोलो एक बार वाई लिखो, किसी को इस इतने पंगे में कोई डाउट तो नहीं है, सभी बच्चे जल्दी से, चलो सबको क्लियर है, गुड, आगे बढ़ते हैं भाई। फिर अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं आज हम, है ना, इसी कंसेप्ट पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ना। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आपको दे रखा है फाइंड डोमेन ऑफ, है ना, क्वेश्चन क्या है, फाइंड डोमेन ऑफ, डोमेन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, है ना, डोमेन का मतलब होता है कि आप एक्स की जगह क्या क्या वैल्यूज डाल सकते हैं। फाइंड डोमेन ऑफ वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी आप एक्स की जगह पे क्या क्या डाल सकते हैं, ठीक है जी, क्या क्या इनपुट दे सकते हैं, डोमेन का मतलब क्या क्या आप इसमें इनपुट दे सकते हैं। तो बेटा आपको ये ध्यान होगा ये कौन सा टाइप में आता है, पहला टाइप है, दूसरा टाइप है, तीसरा टाइप है, पहले ये श्योर कर लो, है ना, ये कौन सा टाइप है, अंडर रूट के अंदर अगर फंक्शन आ रहा है तो कौन सा टाइप है, ये पहला टाइप है सर, बोलो सही बात है क्या, ये फर्स्ट टाइप का है सर। अब फर्स्ट टाइप में आप जानते थे कि इसका जो सोल्यूशन होगा क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा सर कि जो 2x माइनस एक्स स्क्वायर है ये हमेशा कैसा होना चाहिए सर, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चलना चाहिए, ये हमेशा कैसा होना चाहिए सर, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यही हम इसमें इनपुट दे पाएंगे। अब इस चीज को आगे आप सॉल्व करना जानते ही हो, इनइक्वालिटी है, पहले आप माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस साइन आप कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जैसे ही आप माइनस साइन को उधर ले जाओगे तो आप जानते हो कि क्या होने वाला है, साइन बदल जाएगा। कितने बच्चों को ये बात याद है कि साइन बदल जाता है जैसे ही माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराते हैं दोनों साइड। अरे बोलो यार, सबके रिप्लाई आने चाहिए यार, बाकी सो रहे हैं क्या बच्चे, हैं बताओ, 44 स्टूडेंट्स के आसपास हैं आप लोग और फिर भी रिप्लाई नहीं आ रहे बाकी बच्चों के, जागते रहो भाई, चलो हाँ
चलो बेटा, तो अब यहाँ से क्या करेंगे आगे, x कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा भाई, अंदर बचेगा x माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो। अब आपको याद होगा दो ब्रैकेट, मैंने कल ये भी बताया था आपको परसों के लेक्चर में, अगर दो ब्रैकेट आती हैं और लेस देन का निशान है तो आंसर होता था छोटे रूट से बड़ा रूट, तो आंसर सीधा आ जाएगा छोटे रूट से बड़ा रूट, और क्योंकि जीरो के बराबर हो सकता है तो क्लोज ब्रैकेट, ठीक है जी, जीरो के बराबर हो सकता है तो क्लोज ब्रैकेट। जिन बच्चों को ये याद नहीं है वो नंबर लाइन से बना के देखेंगे बेटा, वो नंबर लाइन से बना के देखेंगे, याद होना तो चाहिए वैसे भी, है ना, जीरो है एक रूट, एक रूट टू है, यहाँ से आएंगे प्लस माइनस, प्लस आंसर क्या है नेगेटिव वाला बताना है, तो आपका आंसर आ जाएगा जीरो से लेकर टू, और वो भी दोनों को इंक्लूड करके। बोलो किस किस को ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा, हाउ मैनी ऑफ यू गॉट दिस क्वेश्चन, बोलो बोलो बोलो, सबको क्लियर है क्या, डोमेन वाली बात क्लियर हुई कि डोमेन अंडर रूट के अंदर कैसे निकाला जाता है, बिल्कुल सबको क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए सेम यही है ना, फाइंड डोमेन ऑफ, सेकंड पार्ट है, फाइंड डोमेन ऑफ, डोमेन ऑफ वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है जी, फाइंड डोमेन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन एंड अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन। चलो भाई सभी बच्चे एक बार ट्राई कर लो अपनी अपनी कॉपी में, सभी बच्चे एक बार ट्राई कर लो अपनी अपनी कॉपी में, हाँ जी कर लिया सबने, अब सॉल्व करके देखते हैं बेटा, हम लोग भी सॉल्व करते हैं, हम लोग भी सॉल्व करते हैं सॉल्व। तो आप लोग इस बात को बहुत बहुत अच्छे से जानते हो बेटा, आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो, ध्यान से सुनना, आपके पास अब की बार दो फंक्शन आ रहे हैं, एक तो ये आ गया, दो अलग अलग फंक्शन आ रहे हैं जो मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो आपको दोनों पर ही ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा, पहले वाले पे भी करना पड़ेगा कि x माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और दूसरे वाले पे भी करना पड़ेगा x प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दोनों पे ही करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे तो ये क्या कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन वन आ जाए, माइनस वन को आप इधर लेंगे, और यहाँ से कह रहा है x इज ग्रेटर देन क्या आ जाए बेटा, माइनस वन आ जाए, यहाँ से क्या कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन क्या आ जाए बेटा, माइनस वन। अभी मैं आपको एक चीज भी दिखाऊंगा, है ना, आप सब मेरे साथ जुड़े रहना, मैं एक अच्छी चीज इसमें आपको इस क्वेश्चन में आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ से आया x इज ग्रेटर देन वन, यहाँ से आया x इज ग्रेटर देन माइनस वन, अगर मैं नंबर लाइन पे इन दोनों बातों को प्लॉट करूँ, अगर मैं नंबर लाइन पे इन दोनों बातों को प्लॉट करूँ तो प्लॉट करके देखते हैं क्या क्या आता है। एक जगह तो हमने लिख दिया ये माइनस वन, एक जगह लिख दिया वन। अब ये जो पहले वाला है ये तो कह रहा है कि सर वन से इन्फिनिटी जाइए, पहले वाले ने तो ये कहा, ये पहले वाला है बेटा, इसने कहा वन से इन्फिनिटी जाइए। जो दूसरे वाला है भाई, दूसरे वाले ने क्या कहा, दूसरे वाले ने कहा सर माइनस वन से इन्फिनिटी जाइए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बताओ वो कौन सा हिस्सा है जिसमें ये दोनों आ रहे हैं, वो कौन सा हिस्सा है जिसमें ये दोनों आ रहे हैं, क्योंकि दोनों का होना जरूरी है, किसी एक के होने से हमारा क्वेश्चन नहीं होगा, जहां पर दोनों जने राजी होंगे वहीं पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा बेटा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो हिस्सा है वन से आगे वाला, इसमें ये दोनों आ रहे हैं, देखो ध्यान से, वन से आगे में दोनों आ रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज एक्स बिलोंग्स टू क्या आएगा बेटा, एक्स बिलोंग्स टू वन से इन्फिनिटी। बोलो कितने बच्चों को ये वाला पॉइंट क्लियर है, पहले तो ये बताओ क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है कि जहां पर ये दोनों आएंगे, नहीं बेटा आयुष नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो फिर फ्रैक्शन हट जाएंगी, नेचुरल नंबर तो 1, 2, 3 होता है, यहाँ तो 1.1, 1.2, 2.3 ये सब भी आएगा, ठीक है, यहाँ पर ये सब भी आएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, जहाँ पर 1 को क्या किया हमने, इंक्लूड कर रखा है। उम्मीद करता हूँ ये वाला स्टेप सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा, बोलो क्या आप सबको ये वाला स्टेप क्लियर है, ठीक है। अब सुनो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि किसी बच्चे ने ये चीज़ भी इसमें लगाई होगी, देखो ध्यान से, क्योंकि वो बहुत ऑब्वियस है, ध्यान से बताना मुझे, है ना, क्योंकि वो बहुत ऑब्वियस है कि वो बच्चा कोई ना कोई तो लगा के बैठा ही होगा, मुझे तो लगता है शायद सबने ही लगाया हो। तो y इज इक्वल टू, आप सबने किसने किसने इसको अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन कर दिया था, बोलो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन कर दिया था क्या, बोलो a माइनस बी और a प्लस बी करा था, बिल्कुल करा था। अब आप जानते हो ये जो फंक्शन आया है इसको क्या होना चाहिए बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो अगर आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो इसके दो फैक्टर आ रहे हैं, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहे हैं। आप लोग जब नंबर लाइन पे इस चीज़ को सॉल्व करोगे, ये आ गया माइनस वन, ये आ गया वन, यहाँ से प्लस माइनस प्लस, तो आपका आंसर आ रहा होगा माइनस इन्फिनिटी से, माइनस इन्फिनिटी से, बोलो कहाँ तक बेटा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, है ना, यूनियन यूनियन वन से इन्फिनिटी, यूनियन वन से इन्फिनिटी, क्या यही चीज़ आ रही है आपकी, बोलो जल्दी से बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या यही यही आप लोगों ने भी सॉल्व कर दिया था, बोलो जल्दी से,
चलो आप लोगों ने ये सॉल्व कर दिया था, लेकिन यहाँ पे गलती क्या हुई बेटा, ध्यान से देखना। जो आपने आंसर दिए उनमें से कोई भी एक वैल्यू उठा के देखना है ना, कौन से आंसर में से उठा के देखना, जो सेकंड पार्ट में यहाँ ये वाला पार्ट जो आंसर दिया है, इसमें से आप कोई भी वैल्यू मान लो। अब इसमें -2 तो आया होगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन में -2 तो आया ही होगा बेटा, उम्मीद कर रहा हूँ सबको दिख रहा होगा कि -2 तो आया ही है ना। या आपने -1 भी लिया तो -1 भी उठा लेते, देखो ये -1 आपने लिया ही है, -1 उठा लो और जरा ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करो। तो जैसे ही आप यहाँ पुट करोगे -1, तो -1 + 1 0, उस पर तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अंडर रूट के अंदर 0 आ सकता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पुट करोगे -1, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा बेटा, -2 हो जाएगा। बोलो जल्दी से, -1 और -1 कितना हो जाएगा बेटा, -2 हो जाएगा। क्या अंडर रूट के अंदर -2 डिफाइन होगा, बोलो जल्दी से, क्या अंडर रूट के अंदर -2 डिफाइन होने वाला है, जल्दी से, नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब ये वाला आंसर गलत है, समझ रहे हैं? इसका क्या मतलब हुआ भाई, कि ये वाला आंसर गलत हो गया है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आपके पास क्वेश्चन आए इस तरीके से, तो इंडिविजुअली अलग अलग ही सॉल्व करना है, इंडिविजुअली अलग अलग ही सॉल्व करना है, समझ रहे हैं बात को? जैसे मैंने किया, दोनों फंक्शंस को अलग अलग सॉल्व किया, क्लियर है? दोनों फंक्शंस को अलग अलग सॉल्व किया। इसको आप ऐसे भी समझ के चलेंगे बेटा, इसको ऐसे भी समझ के चलेंगे कि अगर कभी भी आपको ऐसा दे रखा है कि y इज इक्वल टू एफ ओ एक्स, दो फंक्शन दे रखे हैं मान लो, प्लस जी ओ एक्स, ऐसा दे रखा है, तो आपका जो आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा, जो डोमेन आपको निकालना होगा y का, डोमेन ऑफ y, ये आना चाहिए क्या, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। समझ रहे हैं क्या मेरी बात, कि y का जो डोमेन आएगा, यानी इस पूरे का डोमेन क्या आना चाहिए। अभी हमने पीछे यही किया, इंटरसेक्शन नहीं किया है, अभी हमने पीछे इंटरसेक्शन ही किया है, सोच के देखना। जो पीछे हमने आंसर निकाला था ना, आपको याद होगा, यहाँ पर इस पार्ट में ध्यान से देखना, मैंने कहा था कि जहाँ पर दोनों राजी हों, तो दोनों कहाँ राजी हो रहे हैं, अगर आप दोनों का इंटरसेक्शन देखो तो दोनों कहाँ राजी हो रहे हैं, वन से आगे, तो दोनों का इंटरसेक्शन ही किया है। तो कभी भी ऐसा हो जाए बेटा, कैसा, कि अगर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स आ जाए, या फिर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स आ जाए, है ना, माइनस का साइन आ जाए, या फिर अभी जो क्वेश्चन हमने किया, दैट इज वाई इज इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स आ जाए, तो आपको क्या करना है बेटा, आपको क्या करना है जल्दी बोलिए, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, दोनों के अलग अलग डोमेन निकालो और फिर इंटरसेक्शन देखो कहाँ पर आ रहा है। अगर दोनों को जोड़कर दे दिया तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन तो आ ही नहीं रहा ना बेटा, -1 आ रहा था, और उस पर तो आंसर गलत आ गया ना, देखा नहीं, उस पर आंसर गलत आ गया। अब ये क्यों आया, ये मैं अभी इस पर बात नहीं करने वाला हूँ, है ना, क्योंकि अभी आपके कोर्स में अभी नहीं है, आगे चल के मैं जरूर बताऊंगा। रूट ए रूट बी ये मल्टीप्लाई होते तो रूट ए बी किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ही लिख सकते हैं, हर बार आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है कि अलग अलग सॉल्व करना है, नहीं तो आपका आंसर गलत भी आ सकता है, ठीक है। चलो बेटा आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ही, फाइंड डोमेन ऑफ वाई इज इक्वल टू, आपके पास क्वेश्चन है बेटा, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन प्लस अंडर रूट ऑफ 6 - x। चलो एवरीबडी सॉल्व करके बताओ जल्दी से, चलो करते हैं बेटा अब हम लोग, है ना, उम्मीद करता हूँ सबने दिमाग लगा लिया होगा, आंसर भी किसी एक आधे ने भेजा है, चलो देखते हैं बेटा क्या सही आंसर है। सबसे पहले तो आपके पास दो अंडर रूट आ गए, पहले दोनों को अलग अलग लगाएंगे, बोलो x माइनस वन किस किस ने कर लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आना चाहिए, और दूसरी बात लिखी होगी 6 - x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बोलो इतना पेन क्या किसी का चला है, जल्दी बोलो, क्या इतना पेन आप में से किसी बच्चे का चला है, जल्दी बोलिए, इतना तो चलना चाहिए देखो आप, है ना, अगर इतना चला है तो फिर इसका मतलब आप काम सही कर रहे हो, इतना तो चलना ही चाहिए बेटा सभी का। चलो वेरी गुड वेरी गुड। अब आप यहाँ से देखो, यहाँ से आ रहा है कि एक्स जो हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो, एक्स जो हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ठीक है बेटा। और अगर यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से आ रहा है आपके पास क्या, कि एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या है, 6 है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6, बोलो सही बात है, एक्स को दूसरी तरफ ले जाओ तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब इसको जरा नंबर लाइन पे देखते हैं बेटा, अब इसको जरा पूरे को नंबर लाइन पे देखते हैं और कॉमन पार्ट देखते हैं कि दोनों का कॉमन पार्ट क्या आने वाला है। तो अगर आप ध्यान से देखें, एक तो कह रहा है ये आ गया 1 और यहाँ आ गया मान लो 6, एक भाई तो कह रहा है कि 1 से लेके आगे तक चलते जाओ, दूसरा भाई कह रहा है कि 6 से लेके पीछे तक चलते जाओ, लेस देन बोल रहे ना, तो 6 से पीछे तक, तो कॉमन पार्ट बोलो बेटा क्या दिख रहा है आपको, दोनों का कॉमन पार्ट जहाँ पर दोनों का आ रहे हो, दोनों ग्राफ आ रहे हो, ऊपर वाला भी आ रहा हो नीचे वाला भी आ रहा हो, क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है सबको, जल्दी बोलो, जहाँ पर दोनों आ रहे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू, बेटा क्या हो जाएगा बोलो, एक्स बिलोंग्स टू 1 - 6। कितने बच्चों को ये वाला आंसर क्लियर है, जल्दी बोलो। अब समझ में आ रही है चीज़ें, जैसे कैसे इंटरसेक्शन लेना है, समझ में आ रही है कि जहाँ पर दोनों राजी हों, कोई एक राजी होने से काम नहीं चलेगा, दोनों का राजी होना बनता है, ठीक है।
दोनों का राजी होना बनता है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहिए अब, है ना? आ रहा है, चलो अच्छी बात है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। अब जब ये आ गया तो अगला भी कहना चाहिए। वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक, वाई इज इक्वल टू एक्स इज स्मॉलर देन और इक्वल टू जीरो कैसे हुआ? कहाँ पे हुआ बेटा? एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू जीरो तो कहीं किया ही नहीं। स्मॉलर देन इक्वल टू सिक्स किया ना, आप इस एक्स को उठा के इधर ले आओ, माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा, तो आ गया एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू सिक्स। ठीक है, चलो y इज इक्वल टू बेटा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। चलो एवरीबडी जल्दी से सॉल्व करो, इसका आंसर तो देखते ही दे देता है बच्चा। जल्दी सॉल्व करो, सभी बच्चे तेजी से सॉल्व करेंगे। चलो बेटा, तो मुझे लगता है आप लोग इतनी बात समझ गए होंगे कि इसमें लगाना क्या है, ये बताओ। लगाना तो वही है सर जो अभी तक आपने बताया, क्या कि जो अंदर वाली चीज है एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बोलो, इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, क्या क्या बन जाएंगे जल्दी बोलो। x माइनस टू, एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दोनों फैक्टर सबको समझ में आ गए। अब अगर ग्रेटर देन है और दो ब्रैकेट है तो आपको आंसर याद है क्या, कैसे लिखते थे? माइनस इन्फिनिटी से, माइनस इन्फिनिटी से छोटा रूट, छोटा रूट क्या बेटा दोनों में दो, माइनस इन्फिनिटी से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इन्फिनिटी। किस किस को ये वाला तरीका याद है ये बताओ पहले तो, क्या आपको ये वाला तरीका याद है? हर्षित यार बहुत दिनों बाद रिप्लाई दे रहा है यार तू, है आज रिप्लाई दे रहा है तू सारे, है ना? दो तीन दिन से बिल्कुल रिप्लाई नहीं दे रहा था। क्या आप सबको ये वाली बात याद है क्या? जल्दी बोलो, पक्का सबको क्लियर? जिसको क्लियर नहीं है बेटा अभी भी, तो इसका मतलब उसने इनइक्वालिटी पढ़ा नहीं है। बाकी बच्चे भी दो यार, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं आज तो इतने सारे बच्चे जुड़े हैं, बोलो बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? बोलो आर्य प्रताप बेटा, मुकुलजीत, मनप्रीत सिंह, देखो आप बोलोगे नहीं तो ना मुझे आपके नाम याद होंगे, ये भी तो सोचो ना। नीरव, अमित, जब आप ऑफलाइन में आओगे तो फिर उतना ही समय लग जाएगा आप लोगों से बातचीत करने में, समझने में। अब कितने सारे बच्चे ऐसे जिनका नाम मुझे याद हो गया है ना? कुछ तो पुराने हैं और नए में भी देखो, प्रांतिक है, प्रियांशु है, ठीक है, तेजस है एक बच्चा, ठीक है, नए वाले बच्चों में कह रहा हूँ, पुराने तो हैं ही, पुराने तो हैं ही, नए वालों में भी काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनके लगातार मैसेज आते हैं। दीपक तेवतिया हो गया एक, शौर्य हो गया, है ना, लगातार मैसेज करते हैं, अजय दुहन, गोल्डी, तो ये वो बच्चे हैं जिनके लगातार मैसेज आते हैं। विकास सिंह हो गया, तो इनके तो नाम याद हो गया मुझे, जब आएंगे तो पक्की बात है इनसे ही बात होने वाली है ज़्यादा, समझ रहे हैं? क्लियर? इसके रूट्स तो रूट में है ना, तो ऊपर वाला कंसेप्ट लगेगा, ऊपर वाला ही तो लगाया भाई मैंने। इस ये वाली चीज क्या होनी चाहिए, ये वाली चीज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, यही किया है मैंने, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगा दिया। ठीक है, क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से सभी बच्चे मुझे आंसर बताएंगे। वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री अपॉन फाइव एक्स प्लस थ्री अपॉन फाइव माइनस एक्स। चलिए जी, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री अपॉन फाइव माइनस एक्स, सॉल्व कीजिए। अगर किसी बच्चे ने कल की या उससे पहले की क्लास नहीं लगाई है बेटा तो जरूर लगा ले, है ना? क्योंकि इनइक्वालिटी के तीन चार लेक्चर हो गए, चारों लेक्चर अगर आपको नहीं आते हैं, आपने नहीं देखे हैं, तो फिर आप गड़बड़ा जाओगे आगे डोमेन रेंज के क्वेश्चन में, पहले ही बता रहा हूँ, है ना? तो आपको समझ नहीं आएगा, तो इसलिए पहले वो लेक्चर लगा लो, उन्हें देख लो, अभी संडे भी आने वाला है तो अच्छे से कवर कर लो जितना काम है। y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री अपॉन फाइव माइनस एक्स बेटा, बोलिए जल्दी से, क्या लगता है आपको क्या आंसर आएगा? एवरीबडी देखो फिर से वही काम आप करो, है ना, देखो फिर से वही काम आप करो, क्या, एक मिनट, अंडर रूट के अंदर अगर कोई क्वांटिटी है तो उसे कैसे लिखेंगे? एक्स प्लस थ्री अपॉन फाइव माइनस एक्स, ये कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है, पहली बात तो ये, ठीक है जी, पहली बात तो ये। अब क्या करेंगे, नीचे से माइनस कॉमन ले लो, तो एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस फाइव, और माइनस साइन मल्टीप्लाई कराया तो साइन चेंज हो गया, पहले ग्रेटर देन का था अब लेस देन का हो गया। अब इसका आंसर आप जानते हैं, अगर दो ब्रैकेट दे रखी है, मैंने कल बताया ही था, दो ब्रैकेट दे रखी है, लेस देन का निशान है, तो क्या आएगा?
छोटे रूट से बड़ा रूट, और यहाँ पर माइनस थ्री पे तो क्लोज, क्या फाइव पे क्लोज आएगा? बोलिए क्या फाइव पे क्लोज आना चाहिए? कई बच्चों ने तो माइनस थ्री पे भी क्लोज नहीं लगाया, माइनस थ्री पे तो क्लोज आएगा बेटा, क्योंकि उस पर इक्वल टू जीरो ऊपर हो सकता है ना? इक्वल टू क्यों आएगा? अभी अंडर रूट के अंदर अभी लिखवाया ना, पहले पेज पे ही लिखवाया था, एफ ऑफ एक्स अगर दे रखा है तो कैसा आएगा? इक्वल टू जीरो आएगा, ऊपर तो जीरो क्रिएट हो सकता है, यहाँ नहीं होगा तो यहाँ पर ओपन आएगा, समझ रहे हैं आप? ये आंसर आ जाएगा, क्लियर है? सिर्फ पॉजिटिव क्यों होगा नमन, खुद सोचना बेटा, क्या ऊपर जीरो नहीं आ सकता? अगर एक्स की जगह माइनस थ्री डालेगा तो क्या ऊपर जीरो नहीं आ सकता? आंसर अंडर रूट जीरो क्या सही नहीं है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नीचे वाली चीज जीरो नहीं बनानी है, ये बोला था मैंने, ठीक है? स्क्रीन रिकॉर्डिंग बेटा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं देखनी है, यूट्यूब पे मेरे लेक्चर डल रहे हैं, वहाँ देखो ना, यूट्यूब पर मेरे लेक्चर डल रहे हैं, वहाँ आप देख लीजिए, है ना? ठीक है, नीचे भी अंडर रूट है बेटा, तो क्या दिक्कत है? उसे पॉजिटिव रखा हुआ, उसे इक्वल टू जीरो थोड़ी किया मैंने, ठीक है? उसे इक्वल टू जीरो नहीं किया मैंने, ऊपर वाले के लिए इक्वल टू का निशान है यहाँ पे, नीचे वाले को तो जीरो लेना होता तो फिर मैं फाइव पे क्लोज करता, फाइव पे तो ओपन रखा हुआ है, देख ध्यान से, फाइव पर ओपन रखा हुआ है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ टू माइनस एक्स। देखो कितने सारे क्वेश्चन मैं एक ही टाइप पे करवा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए ये चीज़ें। और अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स, जल्दी से बताइए क्या आएगा, जल्दी से एवरीबडी। हाँ जी बेटा, सबने दिमाग लगाया क्या? दो अलग अलग अंडर रूट दिखते ही क्या दिमाग में आएगा? दो अलग अलग अंडर रूट दिखते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, जल्दी से बताइए? क्या आपके दिमाग में आएगा कि टू माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और दूसरा आपके दिमाग में आया होगा कि वन प्लस एक्स भी कैसा होना चाहिए? सर वन प्लस एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, बोलो होना चाहिए कि नहीं? टू माइनस एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वन प्लस एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से आप देखोगे तो आ रहा है कि क्या एक्स लेस देन इक्वल टू टू आ रहा है, यहाँ से एक्स को आप दूसरी साइड ले जाना, एक्स लेस देन इक्वल टू टू, और यहाँ से आ रहा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। ध्यान से देखिए नंबर लाइन पे बेटा, एक तो कह रहा है कि माइनस वन से बड़ा, एक कह रहा है टू से छोटा। माइनस वन से बड़ा तो इस तरफ जाएगा सारा, और टू से छोटा किस तरफ जाएगा? टू से छोटा इस तरफ जाएगा। तो कॉमन पार्ट क्या आया? ये वाला हिस्सा जो दोनों में आ रहा है, ये वाला हिस्सा। तो कॉमन पार्ट इज फ्रॉम माइनस वन से टू, क्लियर है? माइनस वन से टू, ये आपका आंसर। किस किस का सही आ गया जल्दी बोलो, किस किस का आंसर बिल्कुल सही आ गया? बिल्कुल सही आना चाहिए, देखो ब्रैकेट भी सही लगी होनी चाहिए, वही बताए बस, जिसकी ब्रैकेट भी सही लगी हुई हो, पक्का सही है? चलो गुड, अच्छी बात है, अगर सही है तो भाई अच्छी बात है। फिर हम आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। लो एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन और देता हूँ। y इज इक्वल टू दे रखा है वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस अंडर रूट ऑफ टू प्लस एक्स। चलो बेटा अब इसमें दिमाग लगाओ जरा, जल्दी से सभी बच्चे इसमें दिमाग लगाओ। सभी बच्चे दिमाग लगाइए बेटा, क्या होना चाहिए आंसर, सोच के बताना। चलो बेटा करते हैं फिर देखिएगा ध्यान से। y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक तो ये फंक्शन आपको दे रखा है और एक ये फंक्शन दे रखा है। आपको बताया था जब भी चीज वन अपॉन में आ जाए, वन अपॉन में आ जाए तो उसके लिए आपने अगर ध्यान दिया हो बेटा, वन अपॉन वाली चीज के लिए ध्यान दिया हो, दोबारा से दिखाता हूँ मैं आपको वो पेज जहाँ पे हमने लिखा था, देखो ध्यान से ये सेकंड वाला। तो वन अपॉन के लिए हम क्या क्या चीज लगाते थे? सिर्फ इतना लगाते थे कि नीचे वाली चीज जीरो ना हो, क्योंकि वैसे यहाँ तो नीचे नेगेटिव हो ही सकता है, अंडर रूट तो है नहीं कि नेगेटिव से दिक्कत हो, है ना? तो नेगेटिव तो हो सकता है नीचे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना? क्योंकि अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट होता तब उसमें दिक्कत होती। तो अभी तो फिलहाल हमें केवल इतना करना है कि एफ ऑफ एक्स क्या आना चाहिए, वो जीरो नहीं आना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना है। अगर इतनी बात का ध्यान हम रख पा रहे हैं तो बस इतना ही हमारे लिए काफी होगा। तो मुझे यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, बस कि जो x माइनस वन है, बस ये ध्यान रखना है कि वो कभी भी क्या ना हो, जीरो ना हो जाए। तो यानी x की वैल्यू क्या ना आ जाए, वन को उधर ले जाइए, तो x की वैल्यू वन नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान आपको पहले वाले के लिए रखना है।
पहले वाले के लिए आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि एक्स की वैल्यू वन नहीं होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू वन नहीं होनी चाहिए। बोलो सही बात है। ऐसी अगर दूसरे वाले पे बात करो वो तो सिंपल है कि टू प्लस एक्स कैसा होना चाहिए सर, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। टू प्लस एक्स कैसा होना चाहिए सर, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो एक्स को अगर आप दूसरी साइड ले जाएंगे तो एक्स क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू टू आ गया। तो अगर आप नंबर लाइन पे देखो, ये नंबर लाइन, ये आ गया टू, ये आ गया वन। वन तो आंसर में नहीं आना चाहिए, उसने बोल दिया है, और ये कह रहा है कि टू से छोटा। तो आप ध्यान से देखो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से बोलो। आपका आंसर आ जाएगा सर माइनस इन्फिनिटी से लेके टू तक तो ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके टू तक तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ हमें हटानी पड़ेगी, क्या, वन, क्योंकि वन पर हमारा आंसर सही नहीं होगा। बोलो सही बात है, वन पर हमारा आंसर सही नहीं होगा, क्लियर। माइनस टू थोड़ी आएगा भाई, एक्स को उधर ले जाएगा ना, ठीक है। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने, मेरी गलती है, मैंने गलत कर दिया। वेट पूरा मिनट, मैंने साइन देखा नहीं। वेट, आप सब सही बता रहे हो, आप सब बिल्कुल सही बता रहे हो। क्या आएगा बेटा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू आएगा, ठीक है। सही बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो आप सब, है ना। आप सब कैसे गलत बता सकते हो, आप मेरे स्टूडेंट हो, हैं, मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन आप लोग नहीं। तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू पे ये आ जाएगा, ठीक है। बोलो माइनस टू पे ये आ जाएगा, और वन नहीं होना चाहिए बीच में। तो आंसर इज क्या, माइनस टू से इन्फिनिटी, माइनस टू पे क्लोज कर दें क्योंकि इक्वल टू बोला है। इन्फिनिटी यूनियन, यूनियन क्या आ जाएगा बेटा, यूनियन सॉरी यूनियन कह रहा हूँ, माइनस आ जाएगा वन, माइनस आ जाएगा एलिमेंटल वन। या फिर इसको लिखने का कल एक तरीका और बताया था मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो। पहले आप क्या करो, माइनस टू से कहाँ तक आ जाओ बेटा, वन तक आ जाओ। कल ये तरीका आपको बताया था, बोलो माइनस टू से कहाँ तक आ जाओ बेटा, एक मिनट, माइनस टू से वन तक आ जाओ सबसे पहले तो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यूनियन वन से लेके इन्फिनिटी तक। तो क्योंकि वन पे ओपन रखा है हमने दोनों जगह, तो वन को इंक्लूड नहीं किया है। तो या तो आप ऐसे आंसर दे दो, और सबसे बढ़िया तो आप ऐसे आंसर दो, तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। किस किस को यहाँ तक का सारा कंसेप्ट क्लियर है, जल्दी बोलो, किस किस को यहाँ तक का सारा कंसेप्ट क्लियर है बेटा, पक्का आप सबको क्लियर है, ठीक है, पक्का आप सबको क्लियर है। चलिए वेरी गुड, ठीक है बेटा, फिर तो अच्छा है अगर आप सबको यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है बेटा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ अब इस प्रकार के क्वेश्चन में आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे देख रहे हैं अगला। अगर ऊपर नीचे दोनों रूट में हो बेटा, कर लिया ऐसा क्वेश्चन तो हमने, मान ले क्वेश्चन में क्या आ गया, अंडर रूट में ऊपर भी आ गया एक्स प्लस वन, नीचे आ गया अंडर रूट में एक्स माइनस वन, तो कैसे करेंगे बता। ऊपर वाली चीज़ को तो क्या करेंगे, दो अलग अलग रूट है ना, ऊपर वाली को ऐसे लिख ले कि x प्लस वन क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और नीचे वाला क्या आएगा, केवल ग्रेटर देन जीरो, है ना, क्योंकि रूट में तो ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू नहीं हो सकता। यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन वन, यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, कॉमन पार्ट लेके तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा अगर ऐसे आ जाए तो, क्लियर। चलिए बेटा उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सबको अब क्लियर हो गया होगा। चलो बेटा नेक्स्ट आपका टाइटल है, डालिए सभी बच्चे, नेक्स्ट आपका टाइटल है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जल्दी से डालिए बेटा टाइटल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस प्रकार की फॉर्म का होगा बेटा, y इज इक्वल टू, अगर कभी भी आपके पास a की पावर x आ जाए, y इज इक्वल टू अगर कभी भी a की पावर x जैसा आ जाए, इसको कहते हैं आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है जी, इसको आप कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पर ये जो a होता है, a आपका होता है बेटा बेस, ए इज कॉल्ड बेस, और एक्स जो होता है इसे आप पावर भी बोलते हैं, बचपन में आपने पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, पावर एक्सपोनेंट इंडिसेस, है ना, अगर फ्रैक्शन में हो तो सर्ड्स भी बोल देते हैं, तो सारी चीज़ें इसको बोल सकते हैं, क्लियर है बात। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में मेरी एक बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये जो बेस है ना इस पर कुछ कंडीशन लगी होती है, उसको ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्या कंडीशन होती है। देखिए सबसे पहली बात तो ये जो कंडीशन लगी होती है कि अगर मैं एक ही जगह मान लो बेटा टू लेता हूँ, और मैं करता हूँ टू की पावर टू कर दो, तो आप जानते हो आपका आंसर आएगा फोर आएगा, ठीक है बेटा। अगर कल को टू की पावर में माइनस वन बाई टू करूँ तो बताना जरा क्या आंसर आएगा, या माइनस टू कर दूँ तो आंसर क्या आएगा, जल्दी बोलो। टू की पावर माइनस टू करूँ तो बोलो आंसर क्या आएगा, एवरीबडी
अगर 2 की पावर माइनस 2 है तो क्या आंसर आने वाला है? अब ये तो छठी क्लास का बच्चा भी सही कर लेगा यार, क्या कर रहे हो है? 2 की पावर माइनस 2 पे आंसर क्या आएगा? सबसे पहले तो पावर नीचे जाएगी और पॉजिटिव हो जाएगी, है ना, पावर नीचे जाके पॉजिटिव आंसर आएगा 1/4। बोलो यार, आंसर इज 1/4, क्लियर है ना? अब ये तो आपको आना ही चाहिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, है ना। अगर किसी को इसमें भी दिक्कत है तो इसको दूर करो भाई, है ना। 2 की पावर माइनस 2, आंसर 1/4। देखो 4 भी ठीक है और अपनी जगह पे 1/4 भी ठीक है ना, काउंटेबल है, आप सब जानते हैं, रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कल को बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर यहाँ आ जाए -2 की पावर 2, बताना आंसर क्या आने वाला है? -2 की पावर 2, बोलो क्या आंसर आएगा? एवरीबडी, क्या आंसर? अब 4 आएगा, -2 का स्क्वायर तो 4 ही आने वाला है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और 4 रियल नंबर होता है तो इसमें आंसर में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा अगर कल को -2 की पावर, सोच के बताना, अगर 1/2 हो जाए तो क्या आप लोग समझ रहे हैं 1/2 का मतलब तो अंडर रूट होता था सर, और क्या ये चीज़ डिफाइन होगी, क्या ये रियल है, जल्दी बताइए, क्या ये जो सामने चीज़ लिखी गई है क्या इसे रियल नंबर बोलूँ? आप कहोगे नहीं सर, इसे रियल नंबर नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, तो इसे रियल नहीं बोल सकते। यानी दिक्कत कहाँ हो गई? दिक्कत हो गई जब बेस नेगेटिव हो गया, दिक्कत हो गई जब बेस नेगेटिव हो गया। क्योंकि अगर बेस नेगेटिव हो गया, तो हमारे लिए फिर दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे? कहीं कहीं पॉइंट ऐसे हो जाएंगे जहाँ पर हम आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पर पहले से ये कंडीशन लगाते हैं कि हम नेगेटिव बेस को एंटरटेन ही नहीं करेंगे, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सबसे पहली बात तो ये कि ए जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा, सबसे पहली बात तो ये, जो बेस होगा उसको हमेशा पॉजिटिव लेके चलेंगे। क्लियर है सबको ये बात? बेस को हमेशा कैसा लेके चलेंगे बेटा? पॉजिटिव ही लेकर चलेंगे, उसे कभी नेगेटिव एंटरटेन ही नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव पे वो दिक्कत कर सकता है किसी पॉइंट पे, तो उसको हमने एंटरटेन ही नहीं करना, समझ रहे हैं आप? तो ए जो होगा वो हमेशा क्या लेके चलेंगे बेटा? पॉजिटिव लेके चलेंगे। कितने बच्चों को ये बात क्लियर है, जल्दी से बोलिए। बेस को जीरो भी नहीं लेंगे बेटा, जीरो क्यों नहीं लेंगे? उसके पीछे कारण है, बेटा कारण समझने की कोशिश करना। मान लो बेस को मैंने क्या ले लिया भाई, जीरो ले लिया थोड़ी देर के लिए, है ना, 0 की पावर 2 कर दिया तो भी आंसर जीरो है, 0 की पावर 1 कर दिया तो भी आंसर जीरो है, 0 की पावर 1/2 कर दिया तो भी आंसर जीरो। अब ये रियल तो है आंसर, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है कि सर आंसर तो जीरो ठीक है, वो रियल नंबर होता है, ठीक है, आंसर तो जीरो ठीक है, उसको तो रियल नंबर बोल सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप जब भी कोई भी पावर कर रहे हो तो आंसर तो एक ही आ गया, तो इसका क्या बेनिफिट हुआ? इसका तो कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं मिला ना, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसमें हमें कुछ खास सीखने को मिल रहा हो। जीरो की कुछ भी पावर करो, जीरो ही आने वाला है, इसलिए हम जीरो भी काउंट नहीं करें। और जैसा एक बच्चे ने मुझे रिप्लाई में भेजा कि सर ऐसे तो आप बेस को जब 1 लोगे तब भी यही होगा, मैंने कहा बिल्कुल सही है, तो बेस को मैं 1 भी नहीं लूंगा, है ना, बेस को यहाँ पर मैं 1 के लिए भी एंटरटेन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है 1 की पावर भी कुछ भी करूंगा तो 1 ही आता रहेगा। बोलो जल्दी से, क्या ये पॉइंट क्लियर है? मुझे पता है कि 1 की पावर जब भी कुछ भी करूंगा तो भी 1 ही आएगा, तो मेरे को ध्यान रखना है क्या कि बेस को मैं एक तो क्या ना लूँ, एक तो पॉजिटिव लूँ, पॉजिटिव में भी मैं उसको क्या ना लूँ, 1 ना लूँ, क्योंकि 1 पे आपको पता ही है बात कि वही सेम चीज़ वापस आने वाली है, ठीक है। बोलो जल्दी से, 1 पे वही सेम चीज़ वापस आने वाली है, क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है भाई? जल्दी बोलो एवरीबडी, सबके रिप्लाई आ जाएं, बोलो भाई जल्दी से, सबके आने चाहिए रिप्लाई। पक्का? ठीक है, तो याद रखेंगे ये बात सारी, ये वाली बात, है ना। पावर बेटा एक्स जो है उसको आप कैसा मर्जी ले लो, पावर से हमें क्या दिक्कत है? अगर बेस पॉजिटिव ही कर दिया तो आप पावर को कैसा मर्जी ले लो। अब मान लो 2 की पावर अगर आपने 1/2 लिया तो क्या आएगा? अंडर रूट 2, बिल्कुल रियल होता है, क्या दिक्कत है, ये भी सही है। तो एक्स जो है वो तो कोई भी रियल नंबर आपका हो सकता है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एक्स को फ्रैक्शन में ले सकते हैं बेटा, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमने लेके दिखा दिया, ठीक है, क्लियर, क्लियर है बात? ये बस ये ध्यान रखना, ये बेस वाली बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इसके पूरी कहानी का खेल है ना वो यहीं पर है, ये वाला हिस्सा, जो है कि ए बेस जो रहेगा एक तो पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव में भी उसको 1 के बराबर आप कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि 1 पे कुछ भी ऐसा खास हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्लियर है सबको? जल्दी बोलो यहाँ तक, ये सारी बात क्लियर है बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो जिसने लेना हो, नोट भी कर लेना, ठीक है। ए पॉजिटिव एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1, क्लियर। अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है बेटा,
आप लोगों से मेरा एक सवाल है, अगर मैंने ए को पॉजिटिव कर दिया बेटा, अगर मैंने ए को क्या कर दिया बेटा, पॉजिटिव कर दिया है ना, मैं ए को हमेशा पॉजिटिव ही ले रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर केस देखो, यहाँ नीचे केस देखो, यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने लिए, ये एग्जाम्पल जो लिए, ए तो पॉजिटिव ही है बेटा, देखो टू ही है, बेस तो टू ही है, पावर को मैंने देखो पॉजिटिव भी किया, पावर को नेगेटिव भी किया, पावर को फ्रैक्शन में भी लिया। आंसर बताओ, आंसर क्या हमेशा पॉजिटिव नंबर आ रहा है? जल्दी बोलो, क्या आंसर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही आ रहा है? पावर को मैं चाहे नेगेटिव ले लूँ, चाहे पॉजिटिव ले लूँ, चाहे फ्रैक्शन में ले लूँ, आंसर हमेशा पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ जल्दी से सभी बच्चे, क्या आंसर हमेशा आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है बेटा? सर है ना, आंसर तो हमेशा ही पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये जो आंसर है, आंसर माने वाई, वाई की वैल्यू तो है ये, जब भी एक्स की जगह कुछ डाल रहे हो तो वाई आ रहा है, तो ये जो वाई है, वाई है ये, वाई कैसा रहेगा बेटा, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। समझ रहे हैं आप बात मेरी? ऑलवेज पॉजिटिव, वाई हमेशा पॉजिटिव आएगा बेटा, समझ रहे हैं? वाई हमेशा कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव ही आएगा, क्लियर? वाई हमेशा पॉजिटिव। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक की सभी बातें सब बच्चों को अच्छे से क्लियर दिमाग में बैठ गई होंगी। मैं दोबारा से लिख देता हूँ जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सारी कहानी है। इम्पोर्टेंट कहानी ये है कि y इज़ इक्वल टू ए की पावर x अगर है, तो इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपने देख लिया कि ए जो होगा वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, ए जो होगा उसे वन के बराबर नहीं लेना है, पहली बात ये, दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये, तीसरी इम्पोर्टेंट बात जो हमने बोली कि x पावर आप कुछ भी ले सकते हो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी डालो, और चौथी बात ये कि जो y होगा वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, समझ रहे हैं? y हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्लियर है? y हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, वो जीरो भी नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता कभी जीरो आ जाए। सोच के देखो, किसी पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर रखो और आंसर जीरो आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता है, सोच के देखना बेटा। किसी भी पॉजिटिव नंबर की आप कोई भी ऐसी पावर रखिए जिस पे आंसर जीरो के बराबर आ जाए, कभी भी नहीं हो सकता। बोलो सही बात बोल रहा हूँ क्या? क्योंकि जीरो तो तब आता जब मैंने बेस को जीरो लिया होता, लेकिन बेस तो मैंने क्या लिया, ग्रेटर देन जीरो लिया, जीरो तो लिया ही नहीं मैंने, बेस को ग्रेटर देन जीरो लिया। तो ये भी ध्यान रखना, वाई कभी जीरो भी नहीं आएगा, वाई की वैल्यू कभी जीरो नहीं आएगी, ठीक है? वाई की वैल्यू जीरो नहीं आएगी, ठीक है बेटा? अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बिल्कुल बेटा, वाई इज ग्रेटर देन जीरो है, वाई इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, क्लियर? वन अपॉन इन्फिनिटी पावर में लिया तो, समझ नहीं आई भाई मेरी बात, वन अपॉन इन्फिनिटी पावर में ले ले तब भी आंसर वन तो आएगा। अरे एक ही पावर कह रहा है एक बच्चा, वन अपॉन इन्फिनिटी ले लो सर, यही तो कह रहा है भाई, है ना? तो इसको जब ऊपर ले जाएगा तो एक ही पावर क्या हो जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी, है ना? या एक ही पावर वन अपॉन इन्फिनिटी क्या जीरो, एक ही पावर जीरो भी वन ही आएगा, जीरो थोड़ी आएगा, ठीक है? कभी भी आंसर जीरो नहीं आ सकता, वन ही आ रहा है देखो अब भी, ठीक है? चलो अब इसमें दो केस होंगे बेटा, आपने ये तो बोल दिया क्या कि जो बेस है वो जीरो से बड़ा आएगा, यहाँ नंबर लाइन पे मैं दिखा देता हूँ, आपने क्या बोल दिया, जो बेस है वो जीरो से बड़ा आएगा, ठीक है? ये आ गया बेटा, मान लो यहाँ जीरो आ गया, तो आपने कहा बेस सर जीरो से बड़ा आएगा, और बीच में क्या नहीं लेना बेटा, वन नहीं लेना, है ना? बीच में आपको क्या नहीं लेना, बीच में आपको वन नहीं लेना, तो ये वन पे ओपन कर देता हूँ, ये वन नहीं लेना है, बाकी सब आप ले सकते हो। तो यहाँ पर दो हिस्से आ रहे हैं बेटा, इस वन ने क्या किया, इस पूरे को दो हिस्सों में बांट दिया है, एक तो ये हिस्सा पहला फर्स्ट हिस्सा, और एक ये हिस्सा दूसरा हिस्सा सेकेंड हिस्सा। अगर इन दोनों हिस्सों को ध्यान से देखो तो ये वो हिस्सा है जहाँ पर ए जो है वो जीरो से वन है पहले हिस्से में, और यहाँ पर ए जो है वो ग्रेटर देन वन है। कितने बच्चों को ये वाली बात समझ में आ रही है? एक हिस्से में तो ए जो है, बेस जो है वो जीरो से वन है, दूसरे हिस्से में बेस जो है वो वन से बड़ा है, जल्दी बोलो। ये देखने में तो कोई तकलीफ नहीं है बेटा, एक बार तो ए जो बेस है वो जीरो से वन है, और एक बार जो ए बेस है वो वन से बड़ा है। और मैं एक एक करके दोनों चीज़ों को देखना चाह रहा हूँ, मैं एक एक करके दोनों चीज़ों को देखना चाह रहा हूँ, ठीक है? दोबारा समझा दो बेटा, इसमें देख मैंने क्या कहा, आप जीरो से लेके आपने क्या कहा कि ए को हमेशा जीरो से बड़ा ले लो, तो जीरो से बड़े तो सारे नंबर हो सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, है ना, है ना, वन बाय टू वन बाय फोर, ये भी जीरो से बड़े हैं। तो वन नहीं लेना बीच में, क्या नहीं लेना, वन नहीं लेना। तो वन तक जब आप देखा, वन तक देखा तो दो हिस्से हो रहे हैं, एक तो जीरो से वन हो रहा है और एक वन से आगे हो रहा है, तो बेस या तो जीरो से वन है या वन से बड़ा है। अब दोनों हिस्सों की कहानी को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक बार मैं बेस को ना, एक बार मैं बेस को वन से बड़ा लेता हूँ, वन से बड़ा क्या नंबर लूँ, कोई भी नंबर जो आपके दिमाग में आ रहा हो, मान लो टू की पावर एक्स ले लेते हैं, वन से बड़ा है ना, बेस को क्या किया बेटा, वन से बड़ा लिया, तो मैंने बेस को ले लिया टू की पावर एक्स, ठीक है बेटा, बेस को ले लिया टू की पावर एक्स। अब मैं इसका ग्राफ आपको बना के दिखाने की कोशिश करूँगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूँगा, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा,
चलो बेटा, ग्राफ बनाने के लिए आपको याद है आप लोग डब्बा बनाया करते थे, आपको अगर याद होगा तो आप लोग डब्बा बनाया करते थे ऐसे, ठीक है भाई, ऐसे ऐसे करके डब्बे बनाया करते थे और इन डब्बों में आप वैल्यू डाला करते थे, है ना, डब्बों में आप वैल्यू डाला करते थे, बचपन में आपने बहुत किया है डब्बे वाला काम, है ना, ऐसे ऐसे करके वैल्यूज़ डालते हैं, वैल्यू डाल के फिर देखते हैं कहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, जुड़े रहना सारे के सारे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है, ये आ गया एक्स, ये आ गया वाई, ठीक है मेरे भाई, चलो करते हैं, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे खूबसूरत वैल्यू एक्स की जगह ज़ीरो डालते हैं, तो एक्स की जगह ज़ीरो डालने पर बताओ वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, एवरीबडी बताइए, जीरो डालने पे वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, चलो सबको क्लियर है, जीरो डालने पे वाई की वैल्यू आ रही है सर वन, ठीक है, जीरो डालने पे वाई की वैल्यू वन, ठीक है बेटा, एक्स की जगह अगर मैं वन डालूँ तो वाई की वैल्यू क्या टू आ रही है, बोलो वाई की वैल्यू क्या टू आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है ना, चलो ठीक है, अब ये यानी इतना बात आप सबको क्लियर है, एक दो वैल्यू मैं खुद ही डाल देता हूँ, मान लो टू डाला तो यहाँ फोर आ गया, ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ अगर कल को मैं एक्स की जगह पे माइनस वन डालूँ तो क्या आएगा आंसर, एक्स की जगह यदि माइनस वन डाल दिया जाए तब क्या आएगा, सोच के बताओ, हाँ बताओ भाई एवरीबडी, एक्स की जगह माइनस वन डालूँ तो आपको ये क्या टू की पावर माइनस वन दिखेगा बेटा, है ना, टू की पावर माइनस वन, और वो क्या हो जाएगा वन बाई टू, है ना भाई, माइनस वन पावर नीचे चला जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो वन बाई टू आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा वन बाई टू, ठीक है बेटा, ऐसे एक्स की जगह माइनस टू डालूंगा तो आएगा वन बाय फोर, ये बताओ अगर एक्स की जगह पे मान लो मैंने क्या डाल दिया बेटा, इन्फिनिटी डाल दिया, तो आप बताओ क्या आने वाला है, अगर टू की पावर एक बहुत बड़ा नंबर कर दिया जाए तो क्या आएगा, अगर मैंने टू की पावर एक बहुत बड़ा नंबर कर दिया, टू की पावर एक बहुत बड़ा नंबर, टू की पावर एक बहुत बड़ा नंबर कर दिया बेटा, इन्फिनिटी आ जाएगा, बिल्कुल सही, बहुत ही बड़ा नंबर आ जाएगा, बोलो सही बात है कि नहीं, तो जब जब आप ऐसा करेंगे कि एक्स की पावर में आप इन्फिनिटी को रख देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, एक्स की पावर जब जब आप इन्फिनाइट करेंगे तो आंसर अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो यहाँ पे भी इन्फिनाइट ही आ जाएगा, अगर कल को आपने एक्स की पावर माइनस इन्फिनाइट किया बेटा, माइनस इन्फिनाइट यानी टू की पावर माइनस इन्फिनाइट, आप जानते हैं इसको कैसे लिखेंगे, जब भी पावर नेगेटिव है उसको नीचे ले जाके पॉजिटिव कर देते हैं तो वन अपॉन टू की पावर इन्फिनाइट हो जाएगा, और अभी आपने टू की पावर इन्फिनाइट किया तो लिखा था टू की पावर इन्फिनाइट नीचे क्या हो जाएगा इन्फिनाइट, और वन अपॉन इन्फिनाइट क्या हो जाएगा बेटा जीरो, बोलो नियर टू जीरो आ जाएगा, बोलो, देखो पहली बात तो ये कि हम इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट नहीं डाल सकते हैं, हम उसके बेहद करीब जा रहे हैं, वो नहीं एग्जैक्ट वैल्यू तो पता ही नहीं किसी को तो कैसे डाल देंगे, तो ये सारी बातें होती है टेंडिंग, कि मैंने जो पावर डाली वो टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी डाली, ये जो पावर है ये क्या बोला मैंने, इसको क्या शब्द यूज़ करते हैं, टेंड करना, टेंड माने उसकी ओर जाना, उसकी ओर जाना, उस पर एग्जैक्ट नहीं पहुँच सकते क्योंकि वो पता ही नहीं क्या है, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक बहुत बड़ा नंबर पावर में आ रहा है तो रिजल्ट भी एक बहुत बड़ा नंबर ही आएगा, और ऐसे ही अगर नेगेटिव इन्फिनिटी में आ रहा है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है बेटा, क्लियर है, तो अब चलो सॉल्व करते हैं, आप जानते हैं एक्स की जो पावर इन्फिनिटी है वो आपको इस तरफ मिलेगी और एक्स की जो माइनस इन्फिनिटी है वो आपको इस तरफ मिलेगी, बोलो सही बात है, क्लियर है, ऐसी वाई की पावर जो इन्फिनिटी है वो ऊपर की तरफ होती है, ठीक है बेटा, करते हैं आप सॉल्व करके देखते हैं, कुछ पॉइंट्स जो हमने करे हैं उसको प्लॉट करते हैं, पहला तो पॉइंट है एक्स जीरो किया वाई वन, तो वो पॉइंट आपको यहाँ दिख जाएगा, जब आपने एक्स की जगह जीरो डाला और वाई की वैल्यू वन आ गई, ये वो पॉइंट है एक्स जीरो और वाई वन, ठीक है मेरे भाई, x0 और y1, उसके बाद जब आप देखो, जब आप x की जगह माइनस इन्फिनिटी डालते हो तो y की वैल्यू लगभग जीरो आती है, जीरो नहीं आती है ध्यान रखना, जीरो नहीं आती है, लगभग जीरो के आसपास आती है, बोलो किस बात को, कितने बच्चों को ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ है, क्योंकि ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वाई जीरो नहीं होता है, वाई की वैल्यू जीरो आ ही नहीं सकती है, देखो यहाँ पीछे के पेजेस में, पीछे के पेज में क्या बोला था, यहाँ क्या मैंने बोला था ना आपको कि वाई की वैल्यू कभी जीरो नहीं आ सकती, मैंने बोला था वाई की वैल्यू कभी जीरो नहीं आ सकती, और वो नहीं आएगी बेटा, वो आनी भी नहीं है, लेकिन वो जीरो के बेहद करीब आएगी, वो जीरो के बेहद करीब आएगी, ये जो है ये जीरो के बेहद करीब होना है, जीरो नहीं है, जीरो के बेहद करीब होना है, समझ रहे हैं, जीरो पॉजिटिव लिख सकते हैं इस बात को आप, कि जीरो के बेहद करीब होना, क्लियर, तो लगभग ग्राफ जो होगा बिल्कुल यहाँ नीचे से स्टार्ट होगा, माइनस इन्फिनिटी पे बिल्कुल नीचे से, समझ रहे हैं, नीचे से स्टार्ट होगा, उसके बाद आपने देखा कि एक्स की वैल्यू जब माइनस वन थी तो वैल्यू क्या आ गई, वन बाई टू आ गई, मान लो पॉइंट यहाँ, जब एक्स की वैल्यू माइनस टू थी तो उससे थोड़ा सा नीचे होगी यहाँ, ठीक है, ऐसी जब x की वैल्यू वन रही थी, x की वैल्यू वन, तो y की वैल्यू टू कहीं यहाँ पर आ गई बेटा, ठीक है, यहाँ पर आ गई, x की वैल्यू फिर क्या थी बेटा, टू थी, तो y की वैल्यू फोर कहीं यहाँ आ गई, और इन्फिनिटी के लिए फिर वापस इन्फिनिटी बहुत ऊपर चली गई, तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे देखिए क्या ऐसा ग्राफ आता हुआ दिखेगा आपको, ऐसा सा, ऐसा सा, समझ रहे हैं, ये ग्राफ, 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 समझ, ऐसा ऊपर की तरफ जाता हुआ, बोलो कितने बच्चों को ग्राफ क्लियर है इसका,
कितने बच्चों को इसका ग्राफ क्लियर है, जल्दी से बोलो। बिल्कुल स्मूथ करवाएगा बेटा, है ना। मैंने तो थोड़ा टेढ़ा बना दिया, मैंने थोड़ा टेढ़ा बना दिया। वेट फॉर अ मिनट, आप लोग जरा मैसेज नहीं कर पाएंगे, एक मिनट के लिए वेट करना, ठीक है। आप लोग मैसेज नहीं कर पाओगे, मैंने बंद कर दिया मैसेज। देखना मुझे कैसा बनाएंगे, जब भी फ्री हैंड बनाएंगे हम लोग, ऐसा जाता, ऐसा समझ रहे, ऐसा जाता वो। इसको कहते हैं हम उल्टा ई और मुंडी कट। ध्यान से देखना, जैसे ई ई ई कैसे बनता है, ई तो ऐसे बनता है, अगर उल्टा ई मुझे बनाना पड़ जाए तो ऐसा बनेगा, और ऊपर मुंडी कट कर दो। मुंडी कट माने ऊपर से इसका ये हटा दो, ये चीज़। ओहो एक मिनट, ऊपर से जैसे ये ना ऐसा ऐसा बन जाएगा, ऊपर से मुंडी हटा देना, समझ रहे। मुंडी वाला हिस्सा कौन सा होता है, ये वाला हिस्सा होता है ना, ऐसा ऐसा ऐसा, ये वाला हिस्सा हटा दो उल्टे ई का। तो ये ग्राफ बनेगा, ये आपका किसका बनेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, जब हमने बेस को क्या लिया बेटा, वन से बढ़ा लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब आप लोग मैसेज कर पाएंगे, बोलो किस किस को ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए बहुत सही, बहुत सही। ग्राफ क्लियर बहुत होना जरूरी है बेटा, मैं पहले बता रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आगे चल के बहुत काम आएगा। तो जिसको ग्राफ नहीं आता होगा उसको फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अपने आप बैठ के घर पे इसके ग्राफ की प्रैक्टिस करते रहना दो तीन बार, कि मैं ऐसे बनाऊंगा, फिर मैं ऐसे बनाऊंगा, ये वैल्यू पे ये हो जाएगा, है ना। ये सारा आपको करके देखना है बेटा। इस ग्राफ के बारे में कुछ खास पॉइंट मैं आपको लिखवाना चाहूँगा। पहले मुझे ये बताओ कि जब मैंने माइनस इन्फिनिटी से ग्राफ बनाना शुरू किया और मैं चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, तो कहीं पे कभी ऐसा हुआ कि मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ी हो? अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से बनाना शुरू करूँ और इन्फिनिटी तक जाऊँ, तो क्या कहीं कोई पॉइंट ऐसा था जहाँ पर मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ गई हो? बोलो, मैंने तो एक बार पेन रखा और चलता गया चलता गया चलता गया। बोलो बोलो, सही बात है ना। तो जब भी ऐसा हो कि आपका ग्राफ बिना कहीं पे टूटे हुए बनता जाए, है ना। दीपक कह रहा है सर एट लास्ट, सबसे लास्ट में, तो बेटा लास्ट में तो मैं पहुंचा ही नहीं। ये इन्फिनिटी तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ, इन्फिनिटी कहाँ है किसको पता, ये तो चलता जाएगा आगे तक। ये जो ग्राफ है आगे तक चलता जाएगा, समझ रहे, आगे तक, जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक चलता जाएगा, समझ रहे। वो चीज़ कभी खत्म होनी नहीं है। तो ये ग्राफ कैसा होता है, जब भी ग्राफ टूटे नहीं, बीच में कहीं पर पेन ना उठाना पड़ जाए, उस ग्राफ को बोलते हैं बेटा कंटिन्यूस ग्राफ, कंटिन्यूस ग्राफ, याद रखिएगा, ठीक है जी। कंटिन्यूस है, क्लियर है बात, ये कंटिन्यूस। अच्छा, अब दूसरी बात मुझे बताओ, लेफ्ट साइड से मैंने माइनस इन्फिनिटी से आना शुरू किया, राइट साइड तक चलता गया, ग्राफ ऊपर की तरफ गया या नीचे की तरफ गया, ये बताओ ग्राफ कैसा गया है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ गया बेटा, बोलो, सही बात है। तो ऐसे ग्राफ को बोला जाता है इंक्रीजिंग ग्राफ। कैसा? इंक्रीजिंग, क्योंकि इंक्रीज ही कर रहा है हर बार, इंक्रीजिंग। जल्दी से बोलिए कैसा बना बेटा, इंक्रीजिंग। क्या क्लियर है सबको? कंटिन्यूस बनेगा, इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, ऊपर की तरफ जाता हुआ बनेगा, क्लियर है। अच्छा, अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, अगर आपको याद है तो। डोमेन, डोमेन होता था बेटा आप एक्स की जगह क्या क्या डाल सकते हैं, आपको याद है क्या? या मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो कितना आपने एक्स कवर कर लिया ग्राफ पे, बताओ क्या आने वाला है, बताओ। एक्स की जगह पे आप यहाँ पर, ये जो एक्स की जगह है, इसकी जगह क्या क्या डाल पा रहे हैं? क्या कोई ऐसा नंबर है जिसे आप नहीं डाल पाए हों? एक्स की जगह क्या कोई ऐसा नंबर है जिसे आप नहीं डाल पाए हों? कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, बोलो। आप हर नंबर डाल पाए हैं। देखो, माइनस इन्फिनिटी आपने एक्स को लिया और प्लस इन्फिनिटी तक आप लेके गए, तो डोमेन तो आ गया ऑल रियल नंबर, या फिर जिसे आप क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। क्या सबको क्लियर है ये? जल्दी बोलिए, है ना, सबको क्लियर है क्या डोमेन वाली बात, कि आप एक्स की जगह क्या क्या डाल सकते हैं, वो सब आपका डोमेन आ जाएगा। ऐसे ही बेटा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ रेंज, रेंज रेंज आपको याद है क्या? ग्राफ के ऊपर हम कैसे बताते थे रेंज, कि कितना वो वाई कोऑर्डिनेट उसका आया है, वाई कोऑर्डिनेट कितना आया है, रेंज हम उसको बोलते थे। क्या आप सबको याद है बेटा? तो वाई पे बताओ, वाई ये रहा वाई, है ना, ये वाई रहा, ये वाई है पूरा। देखो नीचे तो आप गए नहीं नेगेटिव वाई में, और वाई जब जीरो था उस पॉइंट पर भी आप नहीं आए, जीरो के बेहद करीब आए थे, याद है मैंने क्या कहा है, जीरो के बेहद करीब आए हैं लेकिन जीरो नहीं आया। बोलो 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 बोलो। हिमांशु कह रहा है सर वन से इन्फिनिटी, लेकिन बेटा देख वन से नीचे वाला वाई भी तो आया है, ये देख ये वाला वाई जो है ये वन से नीचे वाला है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका बेटा वो होगा जीरो से इन्फिनिटी, समझ रहे हैं। देखो ग्राफ से भी मैंने आपको दिखा दिया, जीरो से इन्फिनिटी, जीरो के बराबर नहीं आएगा, समझ रहे हैं, जीरो के बेहद करीब आएगा लेकिन जीरो के बराबर नहीं आएगा। तो रेंज आएगी जीरो से इन्फिनिटी, क्लियर है। यानी जो y आएगा हमेशा, जो आउटपुट आएगा, y का मतलब क्या होता था, रेंज का मतलब क्या होता था, आउटपुट, आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कैसा बेटा, इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह याद रखना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। क्या आप सबको ये पॉइंट क्लियर है, बोलिए जल्दी से।
क्या आप सबको ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, लेकिन ये जो काम हमने किया है याद रखना, मैंने क्या कहा था, मैंने ये काम कब कब करना था, ध्यान से देखो, पीछे के पीछे मैंने लिखा था ये बात, अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखो मैंने कहा था बेस के दो हिस्से होते हैं, एक तो जो वन से बड़ा, मैंने अभी वन से बड़ा सॉल्व किया बेटा, मैंने बेस को वन से बड़ा सॉल्व किया है, अभी मैंने ये वाला केस कंसिडर नहीं किया, इसे हम बाद में करेंगे, ठीक है, इसे हम बाद में करेंगे, आज नहीं करेंगे, आज क्लास का समय हो चुका है, तो इसे हम बाद में करेंगे, ठीक है। आप लोग घर के लिए मैं आपको देता हूँ, आप लोग ये ट्राई करना, बेस को आप क्या लेके चलना, 1/2, आप इसका ग्राफ बना के देखना कि क्या क्या आ रहा है, ठीक है बेटा, ये आप लोग करके देखना, 1/2 क्या होगा, 0 से 1 के बीच में आएगा, इसे आप लोग ट्राई करना, अगली बार मैं इसके ग्राफ पे डिस्कस करूंगा, लेकिन ये सारे ग्राफ आपको, ये सारा पॉइंट जो आज देखो इतना बड़ा काम मैंने इस पे किया है पेज पे, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए एक एक, है ना, ये सारी चीजें आपको एक एक क्लियर होनी ही चाहिए। जैसे कि मान लो यहाँ से अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लाता हूँ बेटा, ध्यान से सुनना, मैं आपके सामने क्वेश्चन लाता हूँ, क्वेश्चन क्या लाया मैं आपके सामने कि 3 की पावर x + 3 = 0, बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखना क्या लिखोगे, 3 की पावर x = -3 लिखोगे। अब आप ये बताओ क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि नहीं है, क्या ये एक्सपोनेंशियल है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या कभी नेगेटिव आ सकता है, जल्दी बोलो, क्या कभी नेगेटिव आ सकता है, बोलो, कभी भी नहीं आ सकता, एक्सपोनेंशियल कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, नो सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। तो ऐसे आपको दिमाग में रखना है कि एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, उससे कभी भी नेगेटिव रिजल्ट बाहर नहीं आता। बोलो किस किस को पॉइंट क्लियर है, किस किस को पॉइंट क्लियर है, बोलो। इनइक्वालिटी में इसका यूज देखो, मैं इनइक्वालिटी में दिखाता हूँ इसका यूज, ध्यान से देखना, इनइक्वालिटी में इसका यूज दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। मान लो आपके पास आ गया, मान लो आपके पास आ गया, क्या आ गया बेटा, देखो कि 10 की पावर x (x-1) (x+1) है ना, आ गया लेस देन 0, ठीक है बेटा, आ गया लेस देन 0। अब देखना ध्यान से, ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ गया। अब आप लोगों को याद है कि इनइक्वालिटी में जो पॉजिटिव नंबर होता है उससे तो हम डिवाइड करा देते हैं, आपके दिमाग में क्या आएगा, ये तो एक्सपोनेंशियल है सर, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इससे तो मैं इसको डिवाइड करवा सकता हूँ, तो इसको आप उधर 0 के नीचे ले जाओ, तो ओवरऑल क्या बचेगा, x-1 (x+1) < 0, इसका आंसर क्या आएगा, छोटे रूट से बड़ा रूट। बोलो किस किस को क्लियर है ये आंसर, है ना, यानी ये सिर्फ आपको मामू बनाने के लिए दिया हुआ था, यहाँ ये सिर्फ आपको क्या दिया हुआ था, मामू बनाने के लिए, ताकि बच्चा थोड़ा सा डर जाए इसको देख के, लेकिन आपको डरना नहीं है, आप देखेंगे यार ये तो एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये तो हमेशा क्या होता है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव चीज से हम इनइक्वालिटी को डिवाइड करा सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग साइन। बोलो किस किस को आज वाला मामला सारा क्लियर है, बोलो क्या आप सबको क्लियर है, पक्का एवरीबडी, तो सब करके लाएंगे क्वेश्चन, ठीक है पक्का। अच्छा, जो आज मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए थे ना डोमेन वाले, उसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए अभी थोड़ी देर बाद ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, तो वो आप सबने सॉल्व करने हैं, और ये वाला पूरा आपको नोट्स पे बनाना अच्छे से, ठीक है एवरीबडी। कल वाली वीडियो डल चुकी है बेटा, ठीक है, कल वाली डल चुकी है वीडियो, आप देख लेना, ओके गुड बाय।